प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो आदरा आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भाई चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भाई चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। पिक्चर का नाम है हैक्ड। जी हाँ दोस्तों, हैक्ड। हैक नाम सुनते आपको आपको दिमाग में आता होगा कि किसी चीज को उसे कब्जा कर देना, किसी चीज पे पूरा अपने काबू पा लेना, इसे कहते हैं हैक्ड। तो इसी तरह इस पिक्चर का नाम हैक्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि किस तरह ऑनलाइन में आपके साथ जो दगाबाजी होता है और किस तरह आपके बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल लिया जाता है और आपके मोबाइल को भी हैक कर लिया जाता है और मोबाइल में जितने भी आपके इन्फॉर्मेशन होते हैं सब कुछ उसे अपने सब कुछ जान लेते हैं। इस तरह करते हैं हैक्ड, इसे हैक कहते हैं। और इस तरह इस पिक्चर का नाम हैक रखा और इस पिक्चर में इसी तरह है। इस पिक्चर के डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने पूरी कोशिश किया है कि अपने तरीके से जो कहना चाहते हैं, जो वाकई जो रियल लाइफ में होता है कि लोगों के साथ किसी का मोबाइल हैक हो जाता है, किसी का अकाउंट हैक हो जाता है, अकाउंट में से पैसे निकल जाता है या तो किसी के मोबाइल में सारे फोटोज और सारे इन्फॉर्मेशन निकल जाता है और निकाला जाता है और उन्हें इसका दुरुपयोग किया जाता है। इस तरह एक टेक्निकल टर्म्स में होता है, सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर में करते हैं उस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड्स कहते हैं। सो इस तरह से हैकर्स लोग करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों का मोबाइल नंबर, लोगों का अकाउंट नंबर करके करते हैं। वही इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट डायरेक्टर काफी अच्छा चुना है, हिना कान, जो एक डेली से एक्टर है उन्हें इगली रोल के तौर मैंने चुना। हिना कान काफी अच्छा उन्होंने एक्टिंग किया इस पिक्चर में और इसमें एक विलन के रोल जिसे खाली 19 साल के जो हैं, जो ये रोहन शाह एक हैकर्स के तौर में इसमें एक विलन के रोल करते हैं और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स लाइक मोहित, मल्होत्रा काफी अच्छे उन्होंने सपोर्टिंग एक्टिंग की इस पिक्चर में और सिद्ध मकार जो इस पिक्चर में सपोर्टिंग एक्टर है उन्होंने भी काफी अच्छी एक्टिंग की और बाकी संजय गुरबियानी उन्होंने भी सपोर्टिंग एक्टर्स काफी अच्छे एक्टर है उन्होंने भी काफी अच्छी एक्टिंग की है। जैसे डायरेक्टर ने इस पिक्चर में यह कहने की पूरी कोशिश की कि लोगों का मोबाइल किस तरह हैक होता है, लोग अकाउंट किस तरह हैक होता है, वो इसमें ई मेल आईडी कैसे हैक होता है वह कहना चाहते हैं। एक कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है पर एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती है और काफी अच्छा लोग एक मॉडलिंग काफी अच्छा करते हैं और एक बॉलीवुड एक्टर भी एक बंदा होता है जो उन्हें हिना खान से प्यार हो जाता है और उसी तरह उनका सिलसिला चलता है और हिना खान जहाँ जिस अपार्टमेंट में रहती है वहाँ का एक बंदा इनके मोबाइल को हैक कर लेता है और काफी प्रॉब्लम करता है और काफी कुछ प्रॉब्लम्स इनको झेलना पड़ता है और काफी मशक्कत करनी पड़ती है, बाकी काफी मुश्किल हो जाता है और किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और किस तरह डायरेक्टर ने काफी अच्छे प्रेजेंट किया और वो बंदा उसका गलत इस्तेमाल करता है, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है। एक छोटा सा बंदा, एक छोटा सा सिर्फ 18-19 साल का बंदा, उसका दिमाग किस तरह एकदम शैतान की तरह चलता है वह कहना चाहते हैं। इस पिक्चर में काफी अच्छा प्रेजेंट किया डायरेक्टर ने, काफी अच्छा एक्ट्रेस ने भी काफी अच्छा एक्टिंग की है। देखते हैं इस पिक्चर जब रिलीज हुई थिएटर में किस तरह बॉक्स ऑफिस में जमा पाएगी और पैसे भी कमा पाएगी। मैं तो इस पिक्चर को खाली 3 स्टार दूंगा, 2.5 से 3 स्टार, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा कुछ पिक्चर में वहां में कुछ एक्सेप्ट करने लायक नहीं और कुछ एक्सेप्टेबल है तो इसलिए इस पिक्चर इतना कुछ ठीक है। अगर कुछ जानना चाहते हैं हकीकत में किस तरह होता है कि तो आप पिक्चर देख सकते हैं, वरना अगर आप एंटरटेनमेंट के तौर में देखेंगे तो पिक्चर तो कुछ खास है नहीं, मैं इतना तो कहूंगा। मेरा राय तो ये है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्या भाई चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा और सिर्फ इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप भी पिक्चर देखिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। टिल देन फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।